डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेसन टू। आज हम सीखने जा रहे हैं थ्री ऑक्टेव्स। ये जो सारेगामापधनिसा है, इस ग्रुप को कहते हैं सप्तक। वेस्टर्न म्यूजिक में इसको कहते हैं ऑक्टेव। अ ग्रुप ऑफ सारेगामापधनिसा इज कॉल्ड सप्तक और ऑक्टेव। नाउ देर आर थ्री ऑक्टेव्स। इन अदर वर्ड्स, हमारे पास सारेगामापधनिसा के तीन अलग अलग सेट हैं, जिसे कहते हैं थ्री ऑक्टेव्स: लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव एंड अपर ऑक्टेव। अब तीन तीन सारेगामापधनिसा की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो सी, द फाइनल एम ऑफ म्यूजिक इज एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स, आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति। हम जब कभी सामान्य बातचीत करते हैं तो हमारा गले का टोन मीडियम रहता है, लेकिन जब हम कभी गंभीर होते हैं, सैड होते हैं, सीरियसनेस दिखानी है, तो हमारा साउंड अपने आप नीचे चला जाता है, हमारी पिच अपने आप नीचे चली जाती है। उसकी कंट्रारी, अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या देशभक्ति दिखानी है या बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाना है, तो हमारी गले की पिच अपने आप ऊपर चली जाती है। कुछ इसी तरह से म्यूज़िक में भी इस तरह से तीन ऑक्टेव्स काम करते हैं: लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव एंड अपर ऑक्टेव। तो आइए सीखते हैं लोअर, मिडल एंड अपर ऑक्टेव। प्रीवियस लेसन वन में हमने सीखा, ये हमारा सा रे ग म प ध नि सा, जो कि मिडल ऑक्टेव है। मिडल ऑक्टेव के ठीक लेफ्ट में स्थित हैं लोअर ऑक्टेव। लोअर ऑक्टिव एकदम बेज साउंड जनरेट करता है, हैवी साउंड, घेरा साउंड जनरेट करता है। मिडल ऑक्टिव जो हमारा रेगुलर ऑक्टिव है, और मिडल ऑक्टिव के ठीक राइट साइड में है अपर ऑक्टिव, जो एकदम श्रिंक, एकदम पतला साउंड प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हर एक ऑक्टिव में की स्ट्रक्चर सेम रहता है। सारे ग म प ध नि सा लोअर, पर सो लोअर ऑक्टिव, मिडल ऑक्टिव और अपर ऑक्टिव। लोअर ऑक्टिव की नोट्स को दिखाने के लिए उस नोट्स को बोल्ड कर दिया जाता है, डार्क कर दिया जाता है, या कभी कभी लोअर ऑक्टिव की नोट्स को दिखाने के लिए उसके नीचे बिंदी लगाई जाती है, ताकि पता चले कि ये लोअर ऑक्टिव की नोट है। मिडल ऑक्टिव के लिए कोई साइन नहीं है, और अपर ऑक्टिव की नोट्स दिखाने के लिए उसके ऊपर, स्वर के ऊपर, नोट के ऊपर छोटी सी बिंदी की जाती है। सो एक बार कंक्लूड करें, तीन ऑक्टिव्स: लोअर ऑक्टिव, मिडल ऑक्टिव, अपर ऑक्टिव। सबसे लेफ्ट में है लोअर ऑक्टिव, जो एकदम घेरा साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके सबसे बीच में है सबसे इम्पोर्टेंट मिडल ऑक्टिव, और अपर ऑक्टिव जो एकदम पतला स्ट्रिंग साउंड जनरेट करता है। लोअर ऑक्टिव की नोट्स दिखाते हैं डार्क नोट करके, मिडल ऑक्टिव के लिए कोई साइन नहीं है, और अपर ऑक्टिव की नोट्स दिखाने के लिए हम उसके ऊपर छोटी सी बिंदी लगा देते हैं। तो इन्हीं तीनों ऑक्टिव्स के लिए हम एक बहुत सिंपल सॉन्ग आज शुरू करने जा रहे हैं, कुछ कुछ होता है, ताकि हमें पता चले कि ये तीन ऑक्टिव्स कैसे काम करते हैं।